Assalamu alaikum, class. This is our lab 13, and in this lab, I am going to explain three manuals uh, related to structures and functions and structures arrays. So, uh, in the previous lecture, we have learned about structures and also nested structures. So, in this lab, we will cover the problems related to uh, structures mainly. स्ट्रक्चर्स uh, क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि जब भी हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक uh, जगह पे कंबाइन करना होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है C++ प्लस प्लस अलाउज़ यू टू डिफाइन वेरिएबल्स डेट कम्बाइन सेवरल डाटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड बट स्ट्रक्चर इज़ एनदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप Uh, which allows you to combine data items of different kinds. Data structures की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था linear data structure arrays थी और arrays और structures में difference क्या होता है कि arrays में हमेशा हमारे पास data contiguous locations पे तो पड़ा हुआ होता है but वहाँ पे data हमेशा same kind का होता है ठीक है let's suppose कि अगर मैंने किसी का सी जी पी ए स्टूडेंट का स्टोर uh, करना है तो मैं सिर्फ इंटीजियर टाइप की एरे लूँगी या मैं फ्लोट टाइप की एरे ले लूँगी या मैं डबल टाइप की array ले लूंगी ठीक है दैट कि उस एरे में मैं सिर्फ स्टोर कर सकती हूँ स्टूडेंट का सीजीपीए मैं साथ में ये स्टोर नहीं कर सकती कि स्टूडेंट का नेम क्या है एंड स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सीजीपीए ये बनता है ठीक है एक्स वाई जी बट जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की तो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ये ऑप्शन uh, होता है कि हम अगर स्टूडेंट का सी जी पी ए स्टोर करना चाहते हैं तो उसी जगह पे हम स्टूडेंट का नेम भी स्टोर कर सकते हैं हम उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन uh, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं दैट मीन्स कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को या रिट्रीव कर सकते हैं जब भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं ठीक है तो uh, आपको स्ट्रक्चर्स जब भी यूज़ करने हैं दैट मीन्स कि आपने एक रिकॉर्ड बनाना है किसी भी uh, ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट हमारे पास बुक्स हो सकती हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है एनीथिंग एल्स ओके यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी बुक्स से रिलेटेड बुक्स का डाटा क्या होता है टाइटल हो सकता है ऑथर नेम हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है बुक आई हो सकता है ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं उसके जो हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं बुक्स से रिलेटेड उसके वेरिएबल्स आप कह सकते हैं ठीक है स की अगर हमने ये सारा डाटा एक ही जगह पे एक ही मेमोरी लोकेशन पे रखना है ताकि अगर हमें किसी बुक का टाइटल पता है तो हम उसका ऑथर चेक कर सकें अगर हमें उसकी आईडी पता है तो हम उसका जो है टाइटल uh, चेक कर सकें कंप्लीट दैट मीन्स कि सारा डाटा एक जगह पे पड़ा हुआ होगा बट अगेन यही बात है कि हमारे पास टाइटल ऑथर और सब्जेक्ट तो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे या हम कह सकते हैं कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे बट बुक आई की जब हम बात करते हैं तो मे बी ये हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में हो दैट मीन्स के हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स का डाटा है और हमने इसको एक ही जगह पर स्टोर करना है ओके सो इन स्ट्रक्चर वी स्टोर द डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स एट सेम प्लेस ठीक है तो डिफाइन कैसे करते हैं हम स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इसका सिंटेक्स होता है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट के आपको स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करना होता है ठीक है स्पेस आप अपने स्ट्रक्चर का नेम मेंशन करते हैं एंड देन आपने जितने भी वेरिएबल्स या मेम्बर्स लेने हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो आप करली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हो ठीक है उसके बाद आप सेमी कॉलन यूज कर लेते हैं टर्मिनेटर ठीक है और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपने स्ट्रक्चर्स का डाटा एक्सेस करना है तो आपने उसका पहले वेरिएबल बनाना होता है देन आप उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं वो वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं आप उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं ओके सो फर्स्ट मेथड ये है कि आप इस टर्मिनेटर से पहले आपका जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि आपने बनाने हैं स्ट्रक्चर्स के वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में नजर आ रहा होगा कि हमने कैरेक्टर टाइप की फर्स्ट थ्री मेंबर्स लिए हुए हैं और जो बुक आईडी है वो हमने इंटीजर टाइप के लिए है ओके okay? और उसके बाद हमने वेरिएबल बुक जो है उसका नेम रखा है और उसके बाद हमने सेमी कॉलन यूज कर लिया है ये एक सिंटेक्स है कि जिसमें हम अपने सारे के सारे वेरिएबल्स जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर्स के साथ ही आप डिफाइन कर देते हैं डिक्लेयर कर देते हैं ओके okay? इस वेरिएबल बनाने का पर्पज ये है कि आप जितने वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स का डाटा आप एंटर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स में दैट मीनस कि अगर मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसमें मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ही बुक का डाटा स्टोर कर सकती हूँ ओके वी विल कवर अबाउट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन नेक्स्ट मैनुअल जिसमें हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से हमारे पास मल्टीपल डाटा स्टोर हो रहा होता है So, uh, यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम रखते हुए वही रूल्स याद रखने हैं कि आप एक वेरिएबल का नाम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते और उसी तरह से आपने नेम रखने होते हैं कि आप इसके अंदर स्पेस नहीं इंक्लूड कर सकते आप इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते अप टू ऑन सो so, ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स हो गया स्ट्रक्चर्स का कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं और कैसे हम जो है स्ट्रक्चर्स uh, में चेंजेस uh, ला सकते हैं अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डाटा को uh, जो है इंसर्ट करवाना है स्ट्रक्चर्स के अंदर तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे ठीक है फॉर नाउ uh, हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आगे देखते हैं असाइनिंग स्ट्रक्चर मैम्बर्स किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स uh, का जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको डाटा कैसे असाइन कर सकते हैं यहाँ पर ये देखेंगे हम uh, जो मेनली आपको नजर आएगा एक चेंज फॉर्मेट या सिंडक्स वो होगा मैंबर एक्सेस ऑपरेटर जो कि होता है डॉट ऑपरेटर भी हम इसे कहते हैं मैंने ऑलरेडी जब हमने स्ट्रिंग के uh, टॉपिक को कवर किया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप क्लास के फंक्शंस को या मेथड्स को आप एक्सेस करते हैं कॉल करते हैं तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं फर्स्ट और देन आप उसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं सपोज स्ट्रिंग एस टी आर तो एस टी आर डॉट आप लेंथ का फंक्शन कॉल कर रहे हैं ठीक है साइज का फंक्शन कॉल करें इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं सो so स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी वही क्रिएट किया हुआ है जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था बुक का, उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट होता है यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ ओके okay? वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ दैट मीन्स कि हमने फंक्शन में जाके लाजमी वेरिएबल कोई क्रिएट किया होगा जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे मेन के फंक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वेरिएबल्स जब भी हम क्रिएट करते हैं तो आप नेसेसरी नहीं है कि आप स्ट्रक्ट भी यूज करें स्ट्रक्ट यूज नहीं भी करेंगे बस आपने इसके इससे इस बाद इसके बाद आपने स्ट्रक्चर का नेम लाजमी लिखना होता है सो so, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं स्ट्रक्चर के एक हमने बुक वन के नेम से रखा है और एक का नाम हमने बुक टू रख दिया ओके सो ये सिंटेक्स है कि या तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लें स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो या फिर आप किसी फंक्शन में आके क्रिएट करना लें इसके थ्रू हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इजीली ठीक है डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए अब हमने जब डाटा एंटर करवाना है या तो आपकी चॉइस ये हो सकती है कि आप यूजर से लें और आप सीन करवा लें ठीक है गेट लाइन का फंक्शन यूज कर लें कैरेक्टर एरे के लिए या फिर हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन भी है एस टी आर सी पी वाई जो कहाँ पे होता है सी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल में मौजूद होता है ओके सो so यहाँ पे हमने जिस वेरिएबल में स्टोर करना है वो लिखना होता है तो बुक वन के थ्रू हमने पहले एक्सेस किया टाइटल को बुक वन डॉट टाइटल और उसमें हमने ये स्ट्रिंग कॉपी करवा दी इसी तरह बुक वन डॉट ऑथर बुक वन डॉट सब्जेक्ट एंड बुक वन डॉट बुक आई डी उसके लिए हमने स्ट्रिंग का फंक्शन यूज नहीं किया टाइप uh, का हमारे पास ये डाटा है ओके okay? सो so ये हमने सारा का सारा डाटा एक बुक से रिलेटेड एंटर uh, कर दिया है जो कि किसमें पड़ा हुआ है बुक वन में पड़ा हुआ है और सेकेंडली हमने बुक टू को यूज करते हुए भी वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट किया है बुक टू के लिए भी हमने अपना डाटा स्टोर कर दिया है अब मेमोरी में ये किस तरह से स्टोर हो रहा होगा आपको ये भी मैं बता दूं कि मेमोरी किस तरह से रिजर्व होती है यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर एरे के फिफ्टी बाइट हो गए ठीक है कॉज uh, एक byte, एक बाइट कैरेक्टर के लिए होता है देन अगेन सेकेंड के लिए भी फिफ्टी हो गए उससे नेक्स्ट के लिए हमारे पास हंड्रेड बाइट्स रिजर्व हो रहे हैं और उसके बाद हमारे पास इंटीजर के लिए फोर बाइट्स रिजर्व हो रहे हैं ठीक है तो टोटल ये बन जाते हैं टू जीरो फोर बाइट जो कि मेमोरी में एरे की तरह कहीं uh, पे भी पड़ा हुआ होगा जो जिसका कोई भी एड्रेस हो सकता है ठीक है बट ये सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि अगर हमें कोई एक भी मेंबर की वैल्यू पता है तो हम इजीली बाकी सब डाटा को सर्च कर सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं प्रिंट करवा सकते हैं ओके अभी हम एरेस uh, की तरह बॉक्सेस नहीं बना रहे इसी तरह हमारे पास बुक टू का डाटा भी एक ही जगह पे फोर uh, का डाटा पड़ा हुआ होगा उसमें भी अगर हमने कुछ भी सर्च करना है तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं जब हम बात करेंगे कि कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की क्रिएट कर रहे हैं कॉज हमारे पास पॉसिबल है हंड्रेड बुक्स का डाटा हमने एंटर करना हो वन फिफ्टी बुक्स का डाटा एंटर करना हो तो उस टाइम पे हम जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के एरेज क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हम किस तरह से बनाएंगे बात वही आ जाती है जब हमने अरेज से पहले सिंपल वेरिएबल्स पे काम किया था तो उसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ते थे 50 वेरिएबल्स 100 वेरिएबल्स तो ये काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे लॉजिकल हो जाएगा तो उससे बेस्ट है हमारे पास कि हम एक एरे बना देंगे और उसका नेम हमारे पास सेम एक ही होगा बट उसमें हमारे पास इस तरह से एरे क्रिएट हो जाएगी 0 टू अप टू सोन जो भी हमने साइज जितनी भी बुक्स का डाटा uh, एंटर करना होगा लेट्स सपोज हमने फाइव बुक्स का डाटा एंटर करना है ठीक है तो हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस बने हुए होंगे और हर बॉक्स का जो हमारे पास स्पेस uh, होगी जिसके लिए कितनी रिजर्व हो रही होगी टू जीरो फोर बाइट ओके टू के जो स्ट्रक्चर्स uh, का डाटा है वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने प्रिंट करवाया है डाटा को तो सिंपली हमने सी आउट की स्टेटमेंट्स लिखी हैं और बुक वन डॉट टाइटल बुक वन डॉट ऑथर और बुक वन डॉट सब्जेक्ट और बुक वन डॉट बुक आई करके हमने डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए इसको क्या कर दिया है प्रिंट करवा दिया है ओके okay, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जो हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आएगी टाइटल हमारे पास अगर हम ने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी हम यूजर से नहीं ले रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास टाइटल प्रिंट होकर आ रहा है बुक वन का ऑथर सब्जेक्ट आईडी एंड इसी तरह बुक टू का हमारे पास डाटा प्रिंट होकर आ रहा है सो क्वेश्चन नंबर वन है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर नेम बुक हैविंग मेंबर्स एज बुक नेम एंड बुक प्राइस आस्क यूजर टू एंटर रिकॉर्ड ऑफ टू बुक्स एंड प्रिंट द रिकॉर्ड ऑफ द बुक हैविंग ग्रेटर प्राइस सिंपली आपने क्या करना है इसी तरह से जैसे ऊपर एग्जाम्पल है उसमें आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बुक का ठीक है उसके लिए आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं कॉस्ट हमने दो बुक्स का डाटा एंटर करना है और उसमें जो आपने डाटा मेंबर्स लेने हैं नेम और प्राइस लेनी है तो जिसकी प्राइस आपने चेक करनी है ग्रेटर होगी इफ की कंडीशन के थ्रू उसका आपने डाटा प्रिंट करवा देना है ठीक है ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर टू है ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर्स यूजिंग स्ट्रक्चर अब आपने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी फॉर फर्स्ट कंप्लेक्स नंबर एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली टू पॉइंट थ्री और फोर पॉइंट फाइव हो गए और सेकेंड के लिए हमारे पास थ्री पॉइंट फोर और फाइव हो गए आपको याद होगा इस तरह से हमारी इक्वेशन बन रही होती है 5.7 पॉइंट सेवन प्लस नाइन पॉइंट आयोटा आई हमारे पास होता है ठीक है तो आपने क्या करना होता है 2.3 को 3.4 में ऐड करना होता है और सेकेंड वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को 4.5 और 5 को ऐड करना होता है तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपने किसके थ्रू करना है स्ट्रक्चर के थ्रू दैट मीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर दो डाटा मेम्बर्स होंगे एक हमारे पास रियल के लिए होगा और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कोड टू गेन ब्रीफ नॉलेज अबाउट अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको कोड गिवन है ठीक है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और आपने इसका आ, मुझे जो है रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेनेशन इसकी प्रोवाइड करनी होगी ठीक है और आपको यहाँ पे इजिली एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट की हुई है अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम फॉर uh, एग्जाम्पल हमने जो अरे नाम रखा हुआ हाँ है यहाँ पे स्ट्रक्चर का एस टी यूडी है ठीक है अरे हमने किस तरह से बनाई हुई है मेन के फंक्शन के अंदर हमने अपने स्ट्रक्चर का नेम लिखा स्पेस हमने अरे क्रिएट कर दी है वेरिएबल्स की स्ट्रक्चर के ए ऑफ फाइव ठीक है अरेस को हम किस तरह से डील करते हैं हमें अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम एरेस को यूज करते हैं तो हम विदाउट लूप्स नहीं कर सकते तो जीरो से लेस देन फाइव का हमने लूप लगाया और हम गेट गेटेस्ट करते जा रहे हैं नेम ठीक है हमारा नेम जो है वो स्टोर होता जाएगा हम देख लेते हैं ऊपर हमारे पास नेम है और मार्क्स हैं ओके okay. और मार्क्स भी हमारे पास सिक्स सब्जेक्ट्स के हैं तो उसके लिए अगेन हमारे पास लूप लगेगा और इस तरह से आप का सिंटैक्स यूज करते हैं कि ए ऑफ आई हमारे पास क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने एक्सेस करने के लिए क्रिएट किया है एक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं ए ऑफ आई डॉट हमारे पास ऑपरेटर है मार्क्स ऑफ जे ठीक है जे हमारे पास कौन सा लूप चल रहा है ये वाला जिसमें हमने सब्जेक्ट्स जीरो से लेके फाइव तक टोटल सिक्स सब्जेक्ट्स हमने लेने हैं ठीक है फर्स्ट टाइम क्या होगा ए ऑफ जीरो हमारे पास चल रहा है क्योंकि लूप हमारे पास आउटर लूप आई है आई हमारे पास जीरो है और जीरो के लिए लूप सिक्स टाइम चलेगा दैट मीन्स के हमारे पास जो एरे बन रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी कॉज हमने फाइव uh, जो है डेटा फाइव टाइम एंटर करना है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में ठीक है कॉज हमने फाइव की अरे है स्ट्रक्चर वेरिएबल की सो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा जीरो इंडेक्स पे किस तरह से डाटा इंसर्ट होगा आपके पास जो आई uh, जीरो के लिए चल रहा है मार्क्स वाली अरे सिक्स टाइम्स चलेगी दैट मीनस कि इंटीजर हमारे पास कितने दफा एक बॉक्स में आ रहा है सिक्स हमारे पास इंटीजर नंबर होंगे ठीक है सिक्स को अगर फोर से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स फोरजा थर्ड हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो सिक्स फोर ट्वेंटी फोर आता है वो ट्वेंटी फोर बाइट्स भी रिजर्व हो रहे हैं ठीक है सेकेंडली हमने ऊपर नेम भी लिया है ठीक है नेम के लिए हम देखेंगे कि हमने कितनी एरे ली हुई है साइज उसका क्या है नेम के लिए हमने 50 के एरे ली हुई है दैट मीन्स के 50 बाइट्स हमारे पास वो भी रिजर्व हो रहे हैं नेम के लिए जीरो इंडेक्स पे ही तो 50 वो हमारे पास हो गए और 24 फोर यहाँ से हो गए ठीक है तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 74 फोर डेटा हमारे पास सारा 74 फोर बाइट का एक जो है स्ट्रक्चर के वेरिएबल में या एक स्ट्रक्चर का जो हमने एरे क्रिएट किया उसके इंडेक्स जीरो पे इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले का डाटा होगा यहाँ पे हमारे पास थर्ड होगा और हर एक में जो है सेवेंटी फोर बाइट रिजर्व हो रहे होंगे ठीक है तो इस तरह से हम डाटा को इंसर्ट करवा लेते हैं और इंसर्ट करवाने के बाद सेम हम उसी तरह से लूप्स लगा के डाटा को सी आउट करवा सकते हैं जैसे हमने ऊपर सी इन करवाया ठीक है तो ये हमारे पास सिंपल सा मैनुअल था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर्स का जो है डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट की एरे क्रिएट कर लें और उस एरे को किस तरह से हैंडल करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे को हमने अगेन स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स के एरे के साथ डील किया है तो वो इस तरह से हमारे पास सेंटेक्स होता है इसका ठीक है पहले हमारे पास जो एरे होती है वो आउटर लूप से चल रही होती है स्ट्रक्चर जो है ऑब्जेक्ट की डॉट के बाद हमारे पास जो डेटा मेंबर होता है उसकी अरे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके लिए इनर लूप लगा हुआ होता है ओके सो नेक्स्ट मैनुअल पे मूव करते हैं इस मैनुअल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स की एरेज क्रिएट करते हैं जैसे प्रीवियस मैनुअल में हमने डिस्कस किया इसमें हम डिटेल देख लेते हैं अगेन uh, प्रीवियस मैनुअल में आपको टास्क किमन है कि आपने उस टास्क को एक्सप्लेन करना है अंडरस्टैंड करके यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ विद एक्साम्पल कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेट सपोज गिवन है बुक इन्फॉर्मेशन का और उसके अंदर उसके डाटा मेंबर्स हैं हमने टाइटल लेना है हमने ऑथर नेम लेना है पब्लिशर लेना है एंड प्राइस लेनी है ओके okay? सो so हमने अगर सिर्फ और सिर्फ एक बुक से रिलेटेड डाटा लेना होता है तो हम एक ही वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं या दो या तीन हमने अगर लेने हैं तो दो तीन वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट्स uh, क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स के ठीक है बट जब हम स्ट्रक्चर की एरे क्रिएट करते हैं किस तरह से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना स्ट्रक्चर का नेम लिखा स्पेस हमने जो हमारी एरे नेम है रखना है हमने वो लख, रख दिया बुक लिस्ट के नेम से और ट्वेंटी बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं लूप हम लगाते हैं एरेस को डील करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जब भी हमने डाटा को इंसर्ट करवाना है या हमने सी आउट करवाना है प्रिंट करवाना है तो जीरो से लेके लेस देन नाइनटीन तक का लूप लग गया और हम इस तरह से इसका सिंटेक्स लिखते हैं कि आपकी एरे विद इंडेक्स नंबर ठीक है इंडेक्स में हमारे पास क्या आ रहा है इंडेक्स जीरो से लेके आइट्रेट करेगा नाइनटीन तक डॉट टाइटल टाइटल के लिए ठीक है देन ऑथर के लिए देन पब्लिशर के लिए और देन प्राइस के लिए तो इस तरह से आप क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं स्ट्रक्चर्स की एरेज में ओके okay? नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है एक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है पे इंफॉर्मेशन का और उसमें हमने दो डाटा मेंबर्स ले लिए एक इंटीजर ऑर्स के नाम से और एक डबल पे रेट के नाम से अब मेन के अंदर हमने क्या किया है नंबर ऑफ वर्कर्स ले लिए कॉन्स्टेंट एक है ठीक है जो कि थ्री है पे वर्कर्स नंबर ऑफ़ वर्कर्स के नाम से एक हमने एरे ले लिया पे इन हमारे नेम है दैट मीन्स कि हमने एक थ्री साइज की एरे क्रिएट कर लिया आप डायरेक्टली भी थ्री साइज की कर सकते हैं यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट अः uh, जो है वेरिएबल लेके उसको uh, उसका साइज दे दिया एरे का इंडेक्स हमारे पास वेरिएबल है जो कि हम लूप वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे ठीक है और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया कि एंटर द ऑर्स वर्क बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज एंड देयर ऑर्ली रेट्स कि एक ही दफा हम डाटा जो है प्रिंट करवाने लगे हैं यूजर से लेने लगे हैं तो हम एक दफा ही स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं कि यूजर ने करना क्या है इंडेक्स हमने जीरो से लेके लेस देन नंबर ऑफ वर्कर्स तक लगाया ठीक है इसी तरह से हम लूप्स लगाते हैं रेस को के लिए कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन तक हम लगाते हैं ऑर्स वर्क बाय एम्प्लॉयज नंबर कितने और जो है उसने काम किया है इंडेक्स प्लस वन ऑब्वियसली इंडेक्स हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हमने प्लस वन के साथ की लॉजिक लगा दी है कि आप फर्स्ट एम्प्लॉय का जितने भी ऑर्स हैं वो एंटर कर दें ठीक है ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ जाएगी फिर हम यूजर से ले रहे हैं वर्कर्स हमारी एरे का नेम है ठीक है इंडेक्स लूप वेरिएबल है डॉट ऑर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं देन इसी तरह से हम उससे ले रहे हैं उसका पे रेट ठीक है तो ये हम सी आउट साथ में स्टेटमेंट करवा रहे हैं ताकि यूजर को आइडिया हो जाए कि यूजर ने एंटर क्या करना है देन जब हमने इस डाटा को डिस्प्ले uh, करवाना होगा तो सेम इसी तरह से हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं हम लूप लगाएंगे जीरो नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है जैसे हमने ऊपर लगाया था सीन करवाने के लिए सिंपली यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी करनी है जो कि आपको नजर आ रही होगी ग्रॉस इज इक्वल टू वर्कर्स इंडेक्स डॉट ऑर्स के uh, जो हमारे पास ग्रॉस पे होगी या ग्रॉस हमारे पास अमाउंट है वो कितना होगा कि जितने भी उसने और काम किया है मल्टीप्लाई बाय जितना उसका पे रेट है ठीक है तो वो हमारे पास ग्रॉस आ जाएगी तो ग्रॉस को जब हमने सी आउट करवाना होगा तो सिंपली हम ग्रॉस के वेरिएबल को सी आउट करवा देंगे ठीक है हर इंडेक्स में ये काम होता रहेगा मीन्स जीरो जो वन एम्प्लॉय है जो कि जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसके लिए भी कैलकुलेशन होकर डिस्प्ले हो जाएगा जो वन इंडेक्स पे है उसके लिए भी वो हमारे पास सेकेंड एम्प्लॉय होगा जो सेकेंड इंडेक्स पे है वो हमारा थर्ड एम्प्लॉय होगा उसके भी कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा ओके okay? सो so, uh, किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर एरे को जैसे कि अगर हमने खुद से वैल्यूज असाइन करनी है तो पे इंफॉर्मेशन हमारे स्ट्रक्चर का नेम है स्पेस आपने एरे रखा और आपने जितने उसके इंडेक्सेस रखने इक्वल टू टेन और नाइन पॉइंट सेवन फाइव फर्स्ट के लिए हो गई फिफ्टीन और एट पॉइंट सिक्स टू सेकेंड के लिए हो गई ट्वेंटी और टेन पॉइंट फाइव जीरो थर्ड के लिए हो गई इस तरह हमने टोटल फाइव जो है एम्प्लॉयज uh, uh, के लिए डाटा क्या कर लिया है इंसर्ट करवा दिया इनिशियलाइज कर दिया है ठीक है ओके सो ये हमारा था कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स की अरे क्रिएट करते हैं सेकंड आपको यहाँ पे टॉपिक नजर आ रहा है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं इसका भी ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है प्लेलिस्ट uh, में आप जाके देख सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के नेम से ही है वहां पे हमारे पास होता क्या है कि आपने जब भी नेस्टेड फॉर्म बनानी है तो आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने सेकेंड स्ट्रक्चर क्रिएट किया और आप क्या करते हैं कि आप उनका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है वो क्रिएट कर देते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में ठीक है

क्यों हम ऐसा करते हैं हमारे पास एक्चुअली होता यह है कि मल्टीपल जब हमने डाटा लेना है एम्प्लॉय रिलेटेड फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस भी लेना है उसकी क्वालिफिकेशन भी लेनी है उसका हमने फैमिली बैकग्राउंड भी लेना है उसकी हमने जो है हॉबीज भी लेनी है ठीक है इस तरह का जब डाटा लेना है तो हम क्या करते हैं बजाय एक ही स्ट्रक्चर क्रिएट करने के हम फोर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं ओके okay? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम हर एक स्ट्रक्चर का डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करें और देन डाटा को इंसर्ट करें या सी आउट करवाएं उसमें फिर हमारा एरे वाला प्रॉब्लम

तो मैं प्राइसिंग के थ्रू कहाँ जा सकती हूँ इस स्ट्रक्चर में भी जा सकती हूँ अब मुझे अगर स्ट्रक्चर का कोई भी एक इंफॉर्मेशन पता है डाटा मेंबर की सो so, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नजर आ रही होगी कि हमने आइटम का सबसे पहले विजिट के नेम से वेरिएबल क्रिएट किया ओके और फिर हमारे पास है कॉस्ट का वेरिएबल यहाँ आइटम के स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है तो हमने कोई भी जब डाटा करना होगा आइटम का तो हम विजिट डॉट पार्ट नम कर लेंगे विजिट डॉट डिस्क्रिप्शन कर लेंगे ठीक है और जब हमने जाना होगा इनडायरेक्टली कॉस्ट में तो हम कर सकते हैं विजिट डॉट प्राइसिंग डॉट होल सेल विजिट डॉट प्राइसिंग डॉट रिटेल डेट मीन्स के हम इनडायरेक्टली पहले इसका वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और इसके वेरिएबल के अंदर जाके हम स्ट्रक्चर के थ्रू प्राइसिंग के थ्रू हम जा रहे हैं कॉस्ट के डाटा तक ठीक है तो इसका बेनिफिट हमारे पास वही होगा जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हमारे पास एक अगर आ, किसी पर्सन का नेम मौजूद है तो उस नेम के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर में जाके मूव कर सकते हैं और जब हम में डिवाइड करते हुए काम कर रहे होते हैं दैट मीनस की हमारे कोर्ट की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है देन हम इजिली अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं तो बहुत हमारा कोर्ट जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है सो so, इसलिए हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म्स को यूज करते हैं अच्छा जी टास्क क्या है फॉर क्वेश्चन बिलो एज्यूम द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर आपने सबसे पहले तो एज्यूम कर लेना है कि आपका स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है डिफाइन हुआ हुआ है ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपने वन से लेकर सेवन तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं राइट अ डेफिनेशन फॉर एन अरे ऑफ हंड्रेड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डू नॉट इनिशियलाइज द अरेज सिर्फ आपने ये बताना है कि किस तरह से हम हंड्रेड प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर की अरेज जो है क्रिएट करेंगे ठीक है

की कॉस्ट आ रही है या आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है इन तीनों डाटा मेंबर्स को आपने जीरो से इनिशियलाइज करना है आपने लूप लगाना है और किस तरह से इसको इनिशियलाइज करते हैं वो आपने बताना होगा मुझे रिटर्न फॉर्म में कि आपने किस तरह से करना है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट अ स्टेटमेंट राइट द स्टेटमेंट विल स्टोर द फॉलोइंग डाटा इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे यू डिफाइंड इन क्वेश्चन वन डिस्क्रिप्शन आपके पास इस तरह से है ठीक है क्लॉ uh, हैमर है आपके पास पार्ट नंबर ये है और पार्ट की कॉस्ट भी आपको गिवन है तो आपने जो है ऐसी स्टेटमेंट लिख के बतानी है के जो कि ये फॉलोइंग डाटा हमारे स्ट्रक्चर में स्टोर करे ओके okay? राइट अ लूप डेट विल डिस्प्ले दर यू क्रिएटेड इन क्वेश्चन टू अब आपने लूप के थ्रू ये बताना है कि किस तरह से हम प्रिंट करवाएंगे डाटा को सी आउट किस तरह से करवाएंगे ये आपने मुझे थ्रू लूप पूरी लॉजिक बतानी है क्वेश्चन नंबर फाइव में राइट अ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एंड मेंबर्स आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और उसके मेंबर्स आपको गिवन कि आपने माइल्स लेने हैं एंड इंटीजर मीटर्स लेने हैं और और लॉन्ग इंटीजर लेना है ठीक है बहुत ही सिंपलेस्ट है ये जैसे ऊपर एग्जाम्पल्स हम काफी सारी देख चुके हैं वैसे ही आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट अ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन नेम्ड डेस्टिनेशन विद द फॉलोइंग मेंबर्स सिटी अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अ मेजरमेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड इन क्वेश्चन टाइप अब आपने ये करना है कि स्ट्रक्चर uh, की डिक्लेरेशन नेम्ड uh, क्या होना चाहिए उसका डेस्टिनेशन और उसके आपको गिवन है ठीक है उनकी डिटेल आपको दी हुई है कि आपने कौन कौन से uh, लेने हैं और uh, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फाइव में जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसका भी आपने जो है इसके अंदर uh, अब आपने किस तरह से इसको लिंक करना है यह भी हमने एक्साम्पल देखी थी उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप और फिर आपने इसका वेरिएबल भी क्रिएट करके बताना है मुझे अः जो आपने डेस्टिनेशन नेम का स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरह से हम वेरिएबल उसका क्रिएट करेंगे दैट मीन्स की यह हमारे पास नेस्टेड फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा राइट स्टेटमेंट डेट स्टोर द फॉलोइंग डाटा इन द वेरिए आपने इस डाटा को इंसर्ट करवाना है किस तरह से इंसर्ट करवाना है उसका आपने मुझे सिंटेक्स बताना है जो भी है, हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास मैनुअल एक रह जाता है उसको हम देख लेते हैं अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का किस तरह से हम फंक्शंस को डील करते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ वो देखते हैं uh, इसको ऑलरेडी हम uh, जो है लेक्चर में कवर कर चुके हैं दैट हाउ वी कैन पास स्ट्रक्चर वेरिएबल फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन एंड हाउ वी कैन रिटर्न दैट वेरिएबल वी हैव सीन विद द सिंटेक्स एंड विद द प्रोग्राम एक्सैंपल्स तो इसमें हम थोड़ी सी रिपीटेशन कर लेते हैं दोबारा से किस तरह से होते हैं देन आप को इससे रिलेटेड टास्क गिवन है जो कि आपने मुझे सबमिट करवाने हैं नेक्स्ट वीक तक ठीक है ये हमारा इस कोर्स का बेसिकली जो कंटेंट है उसका लास्ट मैनुअल है बट इससे आगे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी सी प्लस प्लस में बट वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होगा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस किस तरह से हम डील करते हैं आपको यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल नजर आ रही है कि हमने एक स्ट्रक्ट रेक्टेंगल uh, के नाम से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ठीक है उसके ये डेटा मेंबर्स हैं लेंथ हो गई वर्थ हो गई और एरिया हो गया ओके लेट से द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन एग्जिस्ट इन द सेम प्रोग्राम फिर हमारे पास उसी प्रोग्राम के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है उसकी टाइप हमने रिटर्न टाइप डबल रखी हुई है उसका नाम हमने मल्टीप्लाई रखा है और उसमें हमारे पास इस तरह से दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और हम रिटर्न करवा रहे हैं एक्स क्रॉस वाई को जो कि एक्स और वाई दोनों डबल है तो ऑब्वियसली हमारे पास डबल ही आंसर में आएगा उसको हम रिटर्न भी करवा रहे हैं जहां पे भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ओके okay. सो so, uh, उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि हमारे पास इस तरह से है कि शो रेक्ट का नेम uh, है उसका void उसकी हमने रिटर्न टाइप रखी हुई है और उसके अंदर हम अब क्या पास कर रहे हैं अभी हमने ऊपर क्रिएट किया रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं एक पैरामीटर जो कि क्या है हमारे स्ट्रक्चर का नाम है दैट मीन्स कि हम इसके अंदर ऐसा ऑर्ग्यूमेंट पास करेंगे कॉल करते हुए जो कि एक्चुअली क्या होगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल होगा ठीक है और हमें पता है कि वेरिएबल के पास स्ट्रक्चर के सारे डाटा मेंबर्स का जो होता है जो हमने यूजर से एंटर करवाना होता है या करवाया हुआ होता है वो डाटा स्टोर हुआ हुआ होता है दैट मींस कि जब भी हम इस शोर एक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम उसमें एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास कर रहे हैं जिसके पास क्या होगा स्ट्रक्चर का डाटा होगा और उस डाटा में क्या क्या मौजूद हो सकता है लेंथ हो सकती है उसकी विड्थ हो सकती है और किसी भी हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है ये तीनों हमारे पास मौजूद होंगे ओके, okay. so, आप देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने आर डॉट लेंथ जो एक्सेस की हुई है सी आउट करवाया हुआ है आर डॉट विथ और आर डॉट एरिया को हमने सी आउट करवाया हुआ है दैट मीन्स के आर के पास वो डाटा कॉपी हो रहा है जो हम कॉलिंग के टाइम पे स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर रहे हैं ओके okay. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि box dot area इज इक्वल टू multiply box dot length box dot width अब ये हम जब कर रहे हैं दैट means कि हम multiply का फंक्शन जहां पे भी कॉल कर रहे होंगे तो वहां पे हम एक तो uh, x और y दो वेरिएबल्स होंगे ठीक है बॉक्स हमारे पास क्या होगा बॉक्स हमने एक जो है रेक्टेंगल का जो कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया हुआ होगा ठीक है तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं बॉक्स डॉट लेंथ को जो है एक्सेस कर रहे हैं और बॉक्स डॉट विर्थ को एक्सेस कर रहे हैं ठीक है जबकि एरिया में हम क्या कैलकुलेट करके ला रहे हैं कि मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल होगा उसमें लेंथ जो है वो एक्स के पास कॉपी हो जाएगी विर्थ जो है वो वाई के पास कॉपी हो जाएगी और रिटर्न हमारे पास क्या आ जाएगा एक कैलकुलेटेड एरिया आ जाएगा जो कि किस में कॉपी हो जाएगा बॉक्स डॉट एरिया में हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से भी हम जो है स्ट्रक्चर्स के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उसमें वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं फंक्शंस को कॉल करते हुए सेक, जो सेकंड एग्जांपल वो हमने देख ली कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास कर रहे होते हैं ओके okay. सो so, हम जहां पे भी शो रेक्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे वहां पे भी हमने क्या किया होगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया पास किया होगा तो हमने बॉक्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है स्ट्रक्चर का रेक्ट एंगल का जो कि हमने पास किया है जिसके अः जितनी भी वैल्यू होंगी जो कि हमारे पास लेंथ बेथ और एरिया था वो आर के पास आई और उसके थ्रू हमने इस फंक्शन में आके वैल्यूज को क्या करवा दिया है प्रिंट करवा दिया ठीक है तो ये इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इजीली पास भी कर सकते हैं और डाटा uh, को एक जगह से दूसरी जगह हम पास uh, कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं ठीक है यहाँ पे एक अगेन आपके पास एग्जाम्पल है प्रोग्राम की जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इन्वेंट्री आइटम के नाम से उसके हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन हैंड प्राइस ठीक है part, number, कुछ हमने फंक्शंस यूजर डिफाइन रखे हुए हैं गेट आइटम और शो आइटम के एक और चीज मैं आपको बता दूं जब भी आप स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे तो हमारे पास क्योंकि हम एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रहे होते हैं वहां पे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी जिसके थ्रू तो हम डाटा को वैल्यूज असाइन करते हैं बट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में हम खुद से फंक्शन क्रिएट करते हैं गेट और सेट uh, का ठीक है गेट आइटम का पर्पज ये होता है गेट जिस भी फंक्शन के साथ लगा होगा दैट मीन्स कि उसमें हम वैल्यूज ले रहे हैं और जो शो आइटम होगा या uh, इस तरह का हमारे पास नाम होगा उसमें हम क्या करते हैं वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे होते हैं ठीक है गेट और सेट भी हम इसके लिए यूज करते हैं शो की जगह सेट भी यूज कर सकते हैं कि सेट में हम गेट में हम ले रहे होते हैं सेट में हम सेट कर रहे होते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को और उसमें हम जो भी उसके बाद उसकी लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्स के डाटा मेंबर्स पे वो कर सकते हैं सो so यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि फंक्शन के अंदर हम इन्वेंट्री आइटम एंड हमने लिखा हुआ है और इन्वेंट्री आइटम सिंपल लिखा हुआ है ठीक है दैट मीन्स के यहाँ पे जब एंड लगा हुआ है दैट मीन्स की ये आर्ग्यूमेंट पास पर

तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम रेफरेंस पैरामीटर दैट मीन्स कि हमारे पास मेमोरी में जा इसका इफेक्ट हो रहा होगा तो पी डॉट हमने यूज़र से ले लिया नंबर पी डॉट ये जो हमारे पास वेरिएबल है स्ट्रक्चर का इसके थ्रू हमने पार्ट नंबर को एक्सेस किया यूजर से वैल्यू ली देन हमने सीन डॉट इग्नोर का फंक्शन किया uh, जो कि न्यू जितने भी रिमेनिंग न्यू लाइन कैरेक्टर्स होते हैं उसे इग्नोर कर देता है गेट लाइन हमने यूज किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिए कॉज हमने यूजर से इनपुट ले ली है टेक्स्ट की फॉर्म में और उसके बाद हमने क्वालिटी एंटर करवाई हुई है पी डॉट ऑन हैंड करके और पी डॉट प्राइस करके हमने वैल्यूज ली हुई है दैट मीनस के इस पूरे फंक्शन में हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है ठीक है उसके बाद हमने जब कॉल किया है यहाँ पे हम देख सकते हैं शो आइटम को और उसमें भी पार्ट को जो है पास किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम फंक्शंस को कॉल करते थे हम कहते थे कि जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होके आ रही है तो लेफ्ट साइड पे हमने उस टाइप का वेरिएबल लेना होता है अब यहाँ पे हमें वेरिएबल लेने की जरूरत क्यों नहीं है क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी में डायरेक्टली वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो हम किसी भी फंक्शन से जाके जब एक्सेस करेंगे तो हमें सेम वैल्यूज मिलेंगी जो अभी हमने यूजर से ली हैं तो शो आइटम में भी हम जब कॉल करेंगे तो शो आइटम में हम आ जाते हैं सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है वेरिएबल जो पार्ट पास किया था उसके पास जो है अबव फंक्शन के थ्रू वैल्यूज आ गई है मेमरी में बाय रेफरेंस के थ्रू पी डॉट करके जितने भी हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास डाटा प्रिंट होकर आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसकी हमारे पास क्या होंगी वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगी आउटपुट आएगी एंटर द पार्ट नंबर एंटर द पार्ट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी ऑन हैंड यूनिट प्लेस जितनी भी वैल्यूज हैं यूजर ने एंटर की और उसके बाद वही डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है शो आइटम फंक्शन के थ्रू ओके अब फंक्शन में रिटर्न स्ट्रक्चर अभी तक हमने देखा कि हम पास कैसे करते हैं एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि फंक्शन वैल्यूज रिटर्न भी तो कर सकता है तो वो वैल्यू कैसे रिटर्न होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना पड़ता है कि जिस फंक्शन से हमने स्ट्रक्चर को को के वेरिएबल रिटर्न करवाना है उसका नाम उसकी जो रिटर्न टाइप है वो हम इस तरह से लगते हैं कि वॉइट या किसी भी डाटा टाइप की जगह यूजर डिफाइंड जो डाटा टाइप है जो कि स्ट्रक्चर का हमने नाम रखा हुआ है हम वो लिख देते हैं ठीक है इसका मतलब ये है कि रिटर्न करेगा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे देख सकते हैं हम टेम्प को रिटर्न करवा रहे हैं जबकि टेम्प हमने क्या किया हुआ है अपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल ही रखा हुआ है उसके थ्रू हमने रेडियस में डायमीटर में एरिया में वैल्यूज ले लिया और फिर हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं कैसे रिटर्न करवाने के उसके लिए हमें रिटर्न टाइप अपने स्ट्रक्चर का क्या रखना पड़ेगा नाम रखना पड़ेगा ठीक है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम सिंपल फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करवाते आए हैं इंटेजर डबल टाइप की या किसी भी टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करवाते आए हैं पॉइंटर्स okay. का भी कॉन्सेप्ट के साथ उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम उसी तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपने स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं स्पेस स्टार पीटीआर लिखते हैं इज इक्वल टू फिलहाल हमने इसको क्या कर दिया एल पीटीआर के इक्वल कर दिया ठीक है दिस स्टेटमेंट डिफाइन सिटी सी आई आर पी टी आर एज अपॉइंटेड टू अ सर्कल स्ट्रक्चर लुक अः एट द फॉलोइंग कोड अब हमारे पास हो क्या रहा है कि सर्कल का हमने जब माई सर्कल के नाम से बनाया तो इसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं ठीक है सर्कल का जब हमने एक पॉइंटर बनाया तो उसको हमने नल पॉइंटर के इक्वल कर दिया है और फिर हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन कर दिया है किसका माई सर्कल का एंड ऑपरेटर को एम को यूज करते हुए दैट मीन्स के इसका एड्रेस अब असाइन हो गया है सी आई आर पी टी आर को क्योंकि ये एक पॉइंटर टाइप का हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है

अः uh, ये हमारे पास माई सर्कल था माई सर्कल एक हमारे पास क्या है इसका कोई एड्रेस होगा जो कि किसको एक्सेस कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को दैट मीन के इस पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली उन डाटा मेंबर्स तक भी जा सकते हैं जिसको हमारा ये सिंपल वेरिएबल पॉइंट कर रहा है ठीक है सिंपली उसी तरह से पॉइंटर्स काम कर रहे हैं जैसे हमारे पास यूजली सिंपल वेरिएबल्स के लिए करते हैं बट यहाँ पे डाटा मेंबर्स मल्टीपल हो गए हैं ओके okay. सो so, हम इस तरह से वैल्यूज भी इंसर्ट करवा सकते हैं आप देख सकते हैं बजाय इसके कि हम वेरिएबल नेम लिखे हमने डायरेक्ट स्टार ऑफ पीटीआर लिखा हुआ डॉट रेडियस करके वैल्यूज इंसर्ट कर दिए इसी तरह स्टार पी टी आर डॉट रेडियस ठीक है या हम इस तरह से भी कर सकते हैं हमारे पास ये ऑपरेटर भी यूज होता है ठीक है ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का सिंबल और डैश के साथ कि हम इस तरह से भी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं हाइफन के साथ ठीक है तो ये हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं या तो आप स्टार के साथ पॉइंटर को यूज़ करते हुए वैल्यू असाइन कर दें मेमोरी में जाके इसकी जो है प्लेस हो जाएगी जैसे हमने बाय रेफरेंस के थ्रू वैल्यूज चेंज की थी तो हमारे पास जरूरी नहीं था कि हम कॉलिंग के टाइम पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नहीं फंक्शन को कॉल करते हुए वो ऑब्वियसली मेमरी में जाके चेंज हो रहा था तो किसी भी फंक्शन से हम कॉल करेंगे तो वैल्यू हमें चेंज हुई हुई मिलेगी सेम पॉइंटर्स के साथ भी यही होता है और पॉइंटर्स को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं या तो स्टार आर करके करें तो डॉट यूज करेंगे और सिंपली अगर पॉइंटर लिखेंगे तो आप ये वाला हाइफन के साथ जो ग्रेटर का साइन है ये यूज करेंगे यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम गिवन है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर हम अपने टास्क की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट के नेम का स्ट्रक्चर लिया है ठीक है उससे रिलेटेड जितना भी हमने डाटा इंसर्ट करवाना है वो डाटा मेम्बर्स हो गए फिर आपको नजर आ रहा होगा गेट डाटा का एक फंक्शन है जिसमें हमने स्टार जो है मेंशन किया हुआ है और अपने स्ट्रक्चर का नाम दैट मीन्स के पॉइंटर टाइप का वेरिएबल इसमें पास हो रहा होगा फिर मेन के अंदर हमने एक फ्रेश मैन के नाम से क्या किया है वेरिएबल uh, बना लिया है स्ट्रक्चर का उसके बाद हमने यूजर से डाटा लेना है तो हमने क्या किया है फ्रेश uh, मैन का एड्रेस पास कर दिया गेट डाटा के फंक्शन को और गेट डाटा की बॉडी पे जब हम आते हैं तो हमने देखा कि हमने स्टार पॉइंटर लिया हुआ है स्ट्रक्चर का इसके पास एड्रेस आया अब हम इसके थ्रू जब भी डाटा लेंगे तो हम दो तरह से ले सकते हैं एक तो स्टार को यूज करते हुए या फिर हम एक इस ऑपरेटर को यूज करते हुए स्ट्रिंग था तो हमने गेट लाइन का फंक्शन लिया हुआ है तो एस फिर नेम ठीक है इसी तरह आईडी नंबर हमने लिया हुआ इसी तरह क्रेडिट तरह हमने एस uh, को जीपीए के साथ लिया हुआ है ठीक है तो ये सारा का सारा डाटा हम एंटर करवा रहे हैं आप चाहें तो आप स्टार एस डॉट ऑपरेटर के थ्रू डॉट नेम भी कर सकते हैं स्टार एस डॉट आई नंबर भी कर सकते हैं दोनों सिंडेक्स में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं यह हमारा पॉइंटर्स के थ्रू डाटा इंसर्ट हुआ जो कि डायरेक्टली मेमोरी में कहाँ जा रहा होगा इस वेरिएबल के पास जा रहा होगा जिसका हमने एड्रेस दिया था फ्रेश मैन का अब जब हम सी आउट करवा रहे हैं फ्रेश मैन के वेरिएबल uh, के थ्रू ठीक है फ्रेश मैन डॉट नीम फ्रेश मैन डॉट आई डी नंबर डॉट क्रेडिट और डॉट जी पी ए तो हमारे पास वही डाटा प्रिंट होकर आएगा हम आउटपुट में देख सकते हैं जो अभी हमने पॉइंटर्स के थ्रू लिया था पॉइंटर्स okay. हमारे पास क्या कर रहे होते हैं मेमरी एड्रेस में डाटा को चेंज करते हैं डायरेक्टली जिसका भी आपने उसको एड्रेस दिया होता है ओके okay. तो नीचे आपके पास डिफरेंट टास्क है एज्यूम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एक्सिस्ट फॉर क्वेश्चन वन टू फाइव आपके पास एक अगेन स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल का जिसमें लेंथ और ब्रथ है ठीक है टोटल फाइव टास्क है और आपने इसको सिर्फ जो है मुझे एक्सप्लेन करना है राइट अ फंक्शन अंक्शन डेट रेक्टेंगल स्ट्रक्चर एज एंड डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑन द स्क्रीन अच्छा ये अब आपने मुझे सी फाइल्स में करके दिखाना है एक्सप्लेन करना है ठीक है इसमें हमने क्या करना है फंक्शन आपने क्रिएट करना है जो कि क्या करेगा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर के ऑर्ग्यूमेंट्स लेगा लेंथ और ब्रिथ को और उसका कंटेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा सेकंड है राइट अ फंक्शन दैट यूजेस अ रेक्टेंगल स्ट्रक्चर रेफरेंस वेरिएबल एज इट्स पैरामीटर एंड स्टोर्स द यूजर्स इनपुट इन द मेंबर्स सेकेंड में आपने जो है रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हुए मींस एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए इसके पैरामीटर्स लेने हैं ठीक है और यूजर की इनपुट जो है डाटा मेंबर्स में आपने स्टोर करनी है क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न रेक्ट एंगल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन शुड स्टोर द यूजर्स इनपुट इन द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर बिफोर रनिंग रिटर्निंग इट आपने क्या करना है अब जो भी फंक्शन आप कॉल करेंगे उसकी रिटर्न टाइप आपने स्ट्रक्चर की टाइप uh, रखनी है ठीक है स्ट्रक्चर का नेम रखना है ताकि हम जब रिटर्न uh, करवाएंगे वैल्यूज को तो वो स्ट्रक्चर uh, का वेरिएबल रिटर्न हो और उसके उसी के थ्रू आपने फंक्शन के अंदर उससे वैल्यूज भी ले लेनी है डाटा भी एंटर करवा देना और देन उसको रिटर्न करवा देना है क्वेश्चन नंबर फोर में राइट द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंटर टू अ रेक्टेंगल स्ट्रक्चर अब आपने इसको पॉइंटर्स के थ्रू करना है ठीक है जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी है सेम उसी तरह से पॉइंटर्स के थ्रू आप डाटा एंटर करवाएंगे और मेन में आप आके उसको सी आउट करवा के दिखा दें अच्छा, अब आपने ये बताना है है कि हमारे पास एक RPTR के नेम से रेक्टेंगल का ठीक है और अब ए बी और सी में से कौन सा हमारे पास इसके इक्वेलेंट है ठीक है अभी हमने दो मैथड्स पढ़े हैं कि हम दोनों मैथड्स को यूज कर सकते हैं स्टार के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसको यूज करते हुए भी कर सकते हैं तो आपने बताना इन तीनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं तो ये आपकी लैब थी स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने लाजमी लाजमी ये सारे के तो सारे टास्क जो तीनों मैनुअल्स में है ये मुझे करके सबमिट करवाने हैं इस नेक्स्ट वीक में क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट जो है आपके फाइनल पेपर में ए, जो है इंक्लूड होगा देन उसके बाद में आपकी लैब्स और कोर्स तो ऑलरेडी जो है फिनिश हो चुका है जी के लेक्चर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे ऑलरेडी उसके लिंक्स भी मौजूद हैं आप देख सकते हैं वहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सेकेंडली हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद सी प्लस प्लस में क्लासेस देन उसको मैं आगे लेकर जाऊंगी इन जावा में और जावा में मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से के लेक्चर्स अपलोड करूंगी जो कि आपके कंटेंट का कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं होगा